तो दोस्तों बात ऐसी है, और आज जो हम वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं वो हाईवे रोड से करने वाले हैं। कौन सा रोड है ये? करनाल हाईवे रोड। तो हम अभी करनाल हाईवे रोड पे हैं, तो अभी हम यहाँ से वीडियो की अपनी शुरुआत कर रहे हैं। अपने दो भाई वो अभी ये करने गए, मूत्रदान वो सामने कर रहे हैं। ये सबसे हमने रोड चला लिए, अब रोड की सुनी है। फिलहाल हमारा सफर यहाँ से चालू होता है, बाकी जो पुराने व्यूवर्स हैं एक एक चेहरे देखते हैं। वहाँ से भाई ठंड आ रही है। तो ये भाई आर के, पूरा नाम रमेश कुमार, नहीं रहमान खान, रहमान खान भाई हमारा। साजिद, वैसे लल्ला हम प्यार से कहते हैं, पर आप इन्हें जानते ही हो, छोटे बच्चा। शादी होने वाली है। पीछे से साउंड भी बहुत ज्यादा आ रहा है, पता नहीं आवाज रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही, इसलिए गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे से यूट्यूब चैनल पे। सभी को मेरा सलाम, भाइयों को राम राम और सत श्री अकाल। दोस्तों बात ऐसी है, अभी हमारा सफर यहाँ से चालू हो गया और हम जा रहे हैं शिमला, और शिमला के बाद अभी हमारा कोई प्लान अभी क्या है नहीं है कुछ कह नहीं सकता, पर शिमला तो जा रहे हैं ये बात पक्की है। और अपने करनाल हाईवे रोड पे हैं और रास्ता गंदा रास्ता हो गया भाई साहब, मैं कह रहा हूँ। एक तो धुंध इतनी ज्यादा है, और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है ये है भाई, रास्ता इतना गंदा टूटा हुआ है, मत पूछो भाई साहब कैसे निकाल रहे हैं हम। अभी दिखाऊंगा आगे, अगर रास्ते अगर खराब आएंगे तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मैं। लेकिन अभी जाने तो दोस्तों बात ऐसी है, हम घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हुआ ये है सब, भैया हमने रॉन्ग साइड गाड़ी लेके आए और फंस गए। साहिल हसन, और रुक जाना साहिल भाई, रुक जाओ। साहिल भाई देख के चलो, एक मिनट बैक कॉल करता हूँ ना। ये हमारे कुछ साहिल भाई, एक मिनट को सर, राशिद जहाज बोल रहा है। पूछो गाड़ी जहाँ से हमने उतारी है। अच्छा जी, मत पूछो यार गाड़ी कैसे निकाली है। दिल्ली से चलने के बाद हमारी गाड़ी चल चुकी है 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर के बाद हमने रुका है, किस लिए रोका है भाई? ये चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए, क्योंकि हमें आ रही थी नींद बहुत ज्यादा, मेरी आंखें भी देख रहे हो भारी भारी सी हो गई है और बहुत ज्यादा नींद आ रही है। लोकेशन पे हम रुके हैं, सामने लिखा है मक्के दी रोटी द सरसों दा साग, जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये खाना हमारे गाँव में लोग गरीबी में खाते थे। लोग शहर में सरसों दी रोटी मक्के क्या है वो नहीं नहीं मक्के दी रोटी सरसों का साग लोग शौक से खाते हैं, और हमारे गांव में ना लोग मजबूरी में खाते हैं, जब कुछ नहीं बना पाते हैं तो कहते हैं भैया एक काम करो, सरसों की साग ले आओ खेत में से तोड़ के और मक्के की रोटी बना लो। है शाहिद, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं? गरीबी में खाते हैं लोग साग। और यहाँ पे हमारे सामने रेस्टोरेंट है जी, तो हमें नहीं खाना मक्के दी रोटी सरसों का साग, हम पियेंगे सिर्फ चाय, और चाय पीने के बाद हम निकल जाएंगे। बिस्कुट नहीं खाएंगे, जाएंगे। हाँ बिस्किट भी चलेगी साथ में भाई। तो जी ये है कबाब फ्राई करे हुए, सबसे पहले शायद हमारा गौर से देखो चेहरे को, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग बताओ जरा, कहाँ से आए भैया, कैसे लग रहे हैं? पीछे वाली गली से। सफर का मजा वहीं आता है जहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़े। देखो घर में तो आदमी शहंशाहों की तरह जिंदगी जीता है, जब बाहर आता है ना वो तो उसे पता लगता है। हम पराठे खा रहे हैं समझ रहे, वो भी ठंडे हैं, पर स्वाद आ रहा है क्योंकि अभी हम सफर में हैं, इसलिए मजा आ रहा है। गुड इसके लिए चाहिए यहाँ। अरे यार वीरे यार, पंजाब में आते पंजाब की गल हो रही है कि ओए यार आ रहा है यार, निकल जा चलो। दोस्तों बात ऐसी है, अभी हम जो है कि दिल्ली से लगभग 240 किलोमीटर करीब करीब आ गए हैं, और सामने देख रहे हो अंधेरा हो रहा है, तो मेरे कैमरे का कमाल है जो दिख रहा है आप लोगों को, सामने देखो जंगली जंगल है। तो हमने अब सोच रहे हैं ये फॉग लैंप लगाएंगे क्योंकि अंधेरा काफी है, देख रहे हो हमारे पास सारा जुगाड़ है। ये नंबर प्लेट खोल भाई, ये दो पेज खोलने हैं, आराम से खोल लो, सारा सिस्टम हमने बना रखा है, सारा सौदा रख रखा अपने पास।
क्योंकि यार जब हम सफर में चलते हैं ना तो हमारे पास सारा हिसाब किताब होना चाहिए। वैसे दिल्ली में लगाना तो उसको चलान कट सकता है और चंडीगढ़ में भी चलान कट सकता है, लेकिन क्या है अभी हम अंधेरे में है रात के टाइम पे, तो उसको हम लगा लेते हैं। उसके बाद इसलिए मैंने इस तरीके का जुगाड़ बना रखा, इसी वजह से ही चलान ना कटे, आराम से खोले, नेटवर्क ना खो जाए। ठंड के समय ये तार निकालने, हाँ सर लगा दे, ये जुगाड़ दिखा रहे हैं हम, हमने क्या जुगाड़ बना रखा। कप-कपी बन रही है यहाँ, बहुत ज्यादा -2 डिग्री का टेम्परेचर आ गया है। बस इतना सा जुगाड़ था भाई, उठाओ देख अब क्या करेगा, समझ गया। हाँ बस 2 चूड़ी कस जाएगा, काम हो जाएगा। मैकेनिक साहब, मैकेनिक साहब, मैकेनिक साहब, ये भाई शाहिद अपना जुआ भाई, रात को अंधेरा यार दिख नहीं रहा, समझ रहा है कोई, दूर दूर देख रहे हो, कोई कोई भी नहीं दिख रहा है यार, खाली पड़ा हुआ सारा, सुन रहे हो आपका फटगी नहीं यार, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा भाई, के मारे फट गई भाई, ये क्या जुगाड़ है सब। हाँ यार साहिल के जुगाड़ है सब ये, अब देखो पूरी पूरी रोशनी, साहिल कौन है यहाँ से वहां तक दिख रही है भाई साहब, दूर दूर तक सन्नाटा, बिल्कुल ही कोई नजर नहीं आ रहा है, और पूरे रोड पे हम ही चल रहे हैं, लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गए इस रोड पे चलते हुए, और दूर दूर तक मैं कह रहा हूँ कोई नजर ही नहीं आ रहा भाई। सामने दूर कहीं एक लाइट ही चमक रही है, पर वो लाइट हमें काफी दूर मतलब देर से नजर आ रही है। तो दोस्तों बात ऐसी है, पीछे तो ढेर पड़े, बाकी सारे लोग तो ढेर हो गए हैं, अप्पा गाड़ी चला रहे हैं, और लगभग दिल्ली से 1 मिनट 260 किलोमीटर करीब करीब हम आ गए हैं, और हमें पहाड़ दिखना अब चालू हो गए हैं धीरे धीरे, और हम पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, और टाइम हो चुका है लगभग 5:24 का टाइम है। मैंने अपनी गाड़ी का टाइम आउट कर रखा है, 1 घंटा मेरा टाइम पीछे है जी। स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो धीरे धीरे हम पहाड़ों की तरफ चढ़ रहे हैं, और एक खुशी का जो आलम है वो मत पूछो, जब ये रोड पे जब हम रात को तो ड्राइव करते हैं तो बेनिफिट पता है क्या रात को ड्राइव करने का, एक तो रास्ता पूरा खाली मिलेगा आपको, ट्रैफिक के टेंशन नहीं, और मतलब सुतम सुतम चले जाओ ना, आपके आगे पीछे कोई भी नजर नहीं आता जी, और आप ही इस रोड के बादशाह होते हो। तो अभी हम इस समय रोड के बादशाह हैं, और वैसे भी बादशाह आदमी हैं हम। एक मिनट जूम करके दिखाते हैं, सनवारा टोल पे हम आ गए और गाड़ी चल गई हमारी 200, अरे आजा भाई, 81 किलोमीटर 281 किलोमीटर जी। मेरा फोन कर रहा यार भैया, स्टॉप है स्टॉप है स्टॉप है, ये अपना यहाँ स्टॉप चलता है, तो हमारा कोई टोल लगा नहीं, दिखाना है तो मुझे, तो हमारा कोई टोल लगा नहीं, बातचीत अपनी पूरी है, चलता है अपना टोल पे स्टॉप, क्योंकि रेगुलर आने जाने वाले लोग हैं यार, अब हमें टोल के पैसे देंगे तो ये बेकार है हमारा, फिर इतना नाम बनाना खुश हम हो जाए, जाना है तो पेट्रोल है पेट्रोल पेट्रोल हाँ जी। घूम घूम के भैया रोडों पे चली, पानी आ गया, और इनके देखो आँख से पानी आ गया, ये दे उल्टियां चल रही है इनकी, तेरे गम में पीली शराब, हाँ तेरे गम में पीली शराब, नींद आ रही है भाई, टाइम हो गया 6:30 का, अभी 60 किलोमीटर गाड़ी हमें और चलानी है, अब हिम्मत जो है कि जवाब दे चुकी है, और आंखें जो है कि अब खुल नहीं रही है, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। आर के लाइट ऑन कर दे यार, ये दिल्ली से इसलिए आए हैं, ये सिर्फ गाड़ी में पड़ के सोने के लिए आए हैं, ये खत्म हो गए हैं जी, इनकी हालत देखकर तुम्हें क्या लग रहा है। भैया कौन से गांव से भैया, जौनपुर से, अरे देखो इनकी हालत देख रहे हो, और ये है जी सामने का व्यू, कुछ मतलब रहा नहीं गया यार व्यू को देखकर, क्या गजब भाई साहब, अभी तक दूर दूर तक हमें कोई सुनो और कोई बर्फ नाम की कोई चीज नजर नहीं आई जी, से कहीं बर्फ तो दिख जाए चलो भाई चलो, बहुत ठंड है यार, मतलब चाय के लिए सोचा था चाय मिल जाएगा, पर कोई नहीं है चाय वाला यहाँ से, अभी कोई नहीं है, आओ बैठो भाई बैठो, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है बाहर तो। तो दोस्तों बात ऐसी है, अभी हम शिमला पहुंचे और शिमला में हमें बर्फ जो है कि वैसी नहीं मिली जैसा हमने सोचा था,
तो अभी हम जो है कि कुफरी की तरफ जा रहे हैं, तो कुफरी के रास्ते में हमें थोड़ी बहुत बर्फ मिल रही है और ये शायद वो भी 2-4-10 दिन पुरानी है ही, अभी हाल फिलहाल की नहीं है, कल परसों की नहीं है भाई, 2-4-10 दिन की है भाई। इधर जो रात में हल्की हल्की दिख रही है, फोन पकड़ियो, जो ताजी ताजी जो दिख रही है वो व्हाइट व्हाइट वाली, वो जो है कि अभी रात की है, पर उससे पहले जो है कि ना ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रही है सब 2-4-10 दिन की है ये। तो भाई साहब ये बर्फ काली पड़ जाती है, मिट्टी लगती है, मिट्टी लग जाती है, काली नहीं पड़ती है भाई। मैं लाया 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 तेरे लिए तोहफा 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 तोहफा, मैं लाया 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 तेरे लिए तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया तेरे लिए तोहफा। तो भाई यही सुनो, हमें मिली भी राजी हो गए। जब तक टूर में कुछ ऐसे बंदे ना हो तब तक मजा ही नहीं आता। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? चाय हमारे जीवन, ये देखो चाय के साथ अचार, कुछ अचार, और मेरे बड़े शौक से ले रहे हैं चाय के साथ, बड़े तेजस्वी लोग। चाय के साथ साथ लगता नहीं ठंड में, इसका लगता दिमाग फिर गया इसका। या जो सफर में मिलता है ना, चुपचाप आंख बंद करके खा लो पी लो, क्योंकि नखरे दिखाओगे तो ये भी नहीं मिलेगा। चाय चाहिए थी बस, शरीर को गर्म करने के लिए ना चाय की जरूरत है। मैं चाय मिल गई, चाय पीने के बाद थोड़ी राहत आ गई, और ये चाय के साथ ले रहा है मिर्ची, देख रहे हो। तो दोस्तों बात ऐसी है, अभी हमें एक सेल्फी पॉइंट नजर आया और हम उतर गए अपनी सेल्फी वेल्फी लेने के लिए, और यहाँ से जो ब्यूटी नज़र आ रही है, मतलब वैसे तो देखो पहाड़ों में आप किसी भी पॉइंट पे रुक जाओ, हर जगह की एक अलग ब्यूटी होती है। तो हमें यहाँ धूप का आनंद मिल रहा था, और किसी भाई बंधु ने आग जलाई थी, वो आग बुझ चुकी है, हम सोच रहे जला ले जला ले। अग्रम भाई ने कैसे देख रहे चुपचाप, अग्रम भाई जाग जाग के देख रहे नासिद भाई को। ये भाई साहब तो लकड़ियां तोड़ लाए, लकड़ियां ये देखो जी, हमने अपना इंतजाम कर लिया। ओए होए होए, अब थोड़ा आनंद। बात ऐसी है, बड़ी मुश्किलों के बाद हमें एक होटल मिला है, बहुत मुश्किल से एक रूम हमने ढूंढा है, और जैसा भी मिला है जो भी मिला है बहुत अच्छा ही है, बुरा नहीं कह सकते पर बहुत बढ़िया है। बाकी सर्विस देखते हैं कैसी मिलती है हमें। और हम अभी जो है कि कुफरी पहुंच चुके हैं, और टाइम हो गया भैया, टाइम बताना एक बार। 11 बजे पहुंच गए जी हम, वैसे तो हम 1 घंटा पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन होटल में लगभग 10 बजे करीब पहुंच गया था, लेकिन 1 घंटा तो हमें होटल ढूंढने में ही लग गया। दोस्तों इस वीडियो का यही एंड कर देते हैं, और मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ, क्योंकि अभी तो जर्नी शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है अभी तो। तो लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम। और नहीं नहीं, जाने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो यार एक लाइक का बटन दबाओ, और वीडियो को शेयर करो, और बढ़िया से कमेंट करो, ठीक है जी। तो लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम एंड बूम।